हेलो स्टूडेंट्स मैं सिर्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी बेटा आज जो नीट का पेपर हुआ उसका हम अभी बायोलॉजी का पेपर डिस्कशन करेंगे ठीक है हम मोस्ट प्रोबेबल आंसर की टिक करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट रहेंगी वो ठीक है एक्सपेक्टेड आंसर की और एक्सपेक्टेड पेपर एनालिसिस हम इस सेशन के जरिए कंडक्ट करेंगे ठीक है तो बिना टाइम वेस्ट किए आप सब एकदम एक्साइटेड होंगे इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर जाते हैं अलग अलग वर्जनस होते हैं आपको पता है नीट के पेपर में तो वैसा एक हम एक सीक्वेंस से एक पेपर में डिस्कस करता हूं आप आपका वर्जन से उसे टैली करना क्वेश्चन के हिसाब से आप आपका सही ऑप्शन मार्क करके आपके मार्क इवैल्यूएट या कैलकुलेट करना ठीक है सो द क्वेश्चन वन इन माय पेपर मतलब ये जो पेपर जिससे मैं डिस्कस कर रहा हूं उसमें क्वेश्चन नंबर वन है द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज रूट प्रेशर तो इसका आंसर है रूट प्रेशर ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते बेटा आपके वर्जन में तो आप उस हिसाब से टैली करके प्रॉपरली ऑप्शन और सही ऑप्शन और उसका डिस्क्रिप्शन उस हिसाब से इसको पढ़ना या इसके हिसाब से आपके मार्क्स इवेल्युएट करना क्वेश्चन नंबर टू आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विथ विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी तो इसमें स्टेटमेंट वन फिटस रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी सही है दूसरा ऑप्शन वैन एक्सपोज टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी ये भी सही है वैन रेडीमेड वेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी ये भी सही है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक नहीं ये क्विक नहीं होती है स्लो होती है एंड इट गिवस स्लोली रिस्पॉन्स इट इज स्लो टू एक्ट तो ये स्टेटमेंट गलत है इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन फोर क्वेश्चन थ्री रे फ्लोरेट्स आर या दे हैव मतलब सन में होती है इनफेरियर ओरी इसका आंसर है ऑप्शन टू इनफेरियर ओरी नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम बहुत थे बेटा है इस पेपर में तो ये मैच द कॉलम हम देखते हैं जाइगोटिन सिनेप्सिस करता है तो ए का हो जाता है फोर वहां पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसका आंसर है ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव प्लासेंटा जोना पेलुसिडा बल्बो यूरेथरल ग्लांट ये दिए है कॉलम वन में और कॉलम टू में दिए है वेरियस ऑप्शन तो प्लासेंटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओम बल्बो यूरेथरल ग्लांट लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस और लेडिक सेल्स एंड्रोजन ठीक है तो ए का टू बी का थ्री सी का फोर और डी का वन तो ऐसा ऑप्शन होता है नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट और एक मैच द कॉलम आयन इट इज रिक्वायर फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस जिंक फॉर इंडोल एसिटिक एसिड बायोसिंथेसिस बोरॉन फॉर पोलन जर्मिनेशन एंड मैंगनीस फॉर फोटोलिसिस ऑफ वॉटर तो डी का वन सी का टू बी का फोर और ए का थ्री तो ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर सेवन कॉलम वन और कॉलम टू को मैच करते हैं देखो ऑस्टिक थाइस में एयर ब्लैडर होता है तो सी का फोर तो यहां पर ये यह सॉल्व हो जाता है बाकी आप देख सकते हो ऑप्शन टू है इसका सही आंसर क्वेश्चन एट फोर ट्रॉपिक लेवल पर वर्चर होता है तो ए का टू वहां पर ये खत्म हो जाता है फिर भी हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर रैबिट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर इज सी का फोर ग्रास और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर क्रो तो आंसर ऑप्शन टू ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड हम पढ़ते हैं स्नो ब्लाइंडनेस इन एंटार्टिक रीजन इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूएबी रेडिएशन ऑप्शन थ्री ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट करेक्ट रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाजम सही है दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन नॉन मेमरेनस होते हैं ये भी सही है दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स नहीं ये गलत है और दे लाइ इन लाइ फ्री इन द दस ये भी सही है तो इसका आंसर होता है ऑप्शन थ्री ठीक है तो ये अच्छे से नोट डाउन करना मतलब आप अच्छे से इवेल्युएट करना क्या आपने ऑप्शन सही टिक किया है या नहीं क्वेश्चन इलेवन इन रिलेशन ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ठीक है ये याद रखना ओके आपको जैसा क्लास में बताया था ठीक है पूरा का पूरा पेपर हमारा एन सी बेस्ड था ये और जो भी अपने प्रीलिम्स में जो भी अपने क्लासरूम टीचिंग में और नोट्स में खास करके जो भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो पूरे नोट्स में से भी कवर हो गए तो पूरा पेपर मतलब हमारे टीचिंग का हमें पूरा फायदा हुआ आपको ठीक है पूरा पेपर इट वॉज बेस्ड ऑन आवर टीचिंग फ्रॉम द एनसीआरटी फ्रॉम द नोट्स फ्रॉम आवर एकेडमी ऑफ बायोलॉजी पेपर्स आप अगर देख लोगे हमारे पिछले पंद्रह से बीस पेपर्स बेटा तो वो सभी पेपर्स का कहीं ना कहीं रेफरेंस इस पेपर में काम आया हेल्पफुल रहा ठीक है तो जो स्टूडेंट ने अच्छे से अपने पेपर सॉल्व किए थे उसे इसका बहुत फायदा हुआ होगा आज के नीट में बेटा ठीक है अभी हम आगे बढ़ते हैं इलेवेंथ का आंसर है ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये थोड़ा ट्रिकी मैच द कॉलम था अगर किसने मिसरीड किया होगा तो गड़बड़ हो सकती है जैसे इोसिनोफिल्स दे रिलीज हिस्ता माइनेज और बेसोफिल्स रिलीज हिस्तामाइन तो बी का फोर और ए का थ्री तो यहां पर यह सॉल्व हो जाता है किसने हिस्सा माइनेस को हिस्सा माइन पढ़ा होगा तो गड़बड़ हो सकती है तो ये आप चेक कर लेना इसका आंसर है ऑप्शन टू ठीक है क्वेश्चन थर्टीन पर जाते हैं आइडेंटीफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एस वन फेज ठीक है यहां पर होना चाहिए जी वन फेज जी वन फेज दैट इज गैप वन फेज ऑफ इंटरफेज सो सेल इज मेटापोलिकली एक्टिव बट डी एन ए डज नॉट रेप्लीकेट तो यह आंसर सही है क्वेश्चन फोर्टीन अपने स्पेशल सेशन में भी बहुत बार पूछे थे इस तरीके के क्वेश्चन ठीक है जैसे फीचर्स डी थे तो ये फीचर जो भी फीचर्स है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है वैस्कुलर बंडर स्कैटर्ड फिर फ्लोएम पैरनकाइमा एबसेंट यहाँ पर हमें समझ जाता है क्या ये मोनोकॉट की बात कर रहे हैं स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडर से समझ जाता है स्टेम की बात कर रहे हैं तो आंसर हो जाता है मोनोकॉट स्टेम ठीक है बाकी के दो ऑप्शन आप देख सकते हो जैसे लार्ज कॉन्सफिशियस पैरनकाइमेट ग्राउंड टिश्यू होता है उसमें और वेस्कुलर बंडल होते हैं कंजॉइंट एंड क्लोज आगे बढ़ते हैं द इन्फेक्शियस स्टेज ये एकदम सिंपल क्वेश्चन स्पोरोजॉइट इज द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट ये ट्रिकी था लेकिन ऐसे बहुत बार हमने ऐसे इस टाइप के सवाल ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के अपने पेपर्स में प्रैक्टिस किए थे तो आपको ये आसानी से आया होगा क्या एल्वियोलाय में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है हाई नहीं होता है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है इन्होंने पूछा था इनमें से रॉन्ग कौन सा है विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो हायर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इन एलवियोलाय फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन ये गलत है क्योंकि एल्वियोलाय में होता है लोअर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है बेटा तो सिक्सटीन का आंसर है ऑप्शन फोर मैं फटाफट यह डिस्कशन ले रहा हूं ताकि आपको फटाफट आपको आंसर की मिल जाए मैच द ऑर्गेनिज्म विद द यूज इन बायोटेक्नोलॉजी बैसिलस थुरेंजेंसिस से क्राइप्रोटीन तो ए का फोर थर्मस एक्वेटिकस से डीएनए पॉलीमरेज तो बी का थ्री एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस टूमी इट्स क्लोनिंग वेक्टर सी का वन और सालमोनेरा टाइफ्यूमरियम कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स आर डीएनए तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर एटीन इवोल्यूशन पे है फ्लिपर्स ऑफ पिंगविन्स एंड डॉल्फिन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ठीक है ऑर्गन फिर सिमेट्रिकल एंड असिलोमेट जिसमें सिलोम नहीं होता और बायोलेट्री सिमेट्रिकल इनमें से सिर्फ वो है प्लेटिटस एनिलिडा सिमेट्रिकल होते हैं लेकिन उनमें सिलोम होता है ठीक है इसलिए आंसर है सिर्फ प्लेटिहलमेंटस क्वेश्चन ट्वेंटी ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था इंस्पिरेशन के वक्त क्या क्या होता है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है हा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ई आई सी एम ये भी सही है पल्मोनरी वॉल्यूम कम नहीं होता है बढ़ता है तो ये गलत है और इंट्रा पल्मनरी प्रेशर बढ़ता नहीं है कम होता है तो ये भी गलत है तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन आर ऑप्शन टू दैट इज करेक्ट इवेंट्स आर ए एंड बी क्वेश्चन ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स तो इसका आंसर है गोलगी बॉडी हमने जैसा क्लास में लर्न किया था जी फॉर गॉलगी बॉडी और जी फॉर ग्लाइको प्रोटीन और जी फॉर ग्लाइकोलिपिड ठीक है तो बेटा जिसने अपने लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए अच्छे से पेपर्स सॉल्व किए उसको आज का पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा बाई विच मेथड वॉज अ न्यू ब्रीड हिजार डेल ऑफ शिप फॉर्म बाई यूजिंग बिकानरी यूज एंड मैरिनो रैम्स तो इसका आंसर है क्रॉस ब्रीडिंग स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से ये क्वेश्चन है क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री ये थोड़ा एम्बिगुअस हो सकता है मैं पढ़ता हूँ सम डिवाइडिंग सेल्स ठीक है प्रॉपरली हम इसे पढ़ते हैं अभी सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल पिछले नीट में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था सम डिवाइडिंग सेल्स ने सेल साइकिल को एग्जिट किया है एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज एंड दिस इज कॉल्ड क्वीशन स्टेज और जी नॉट स्टेज दिस प्रोसेस ऑकर्स एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस ऑकर्स एट द एंड ऑफ एम फेज या जीवन फेज कुछ स्टूडेंट लिखेंगे जीवन फेज कुछ स्टूडेंट लिखेंगे एम फेज लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन में एग्जामिनर ये पूछना चाहते हैं क्या कौन सी फेज के बाद ओल्ड एनसीआरटी का कंसेप्ट है कौन सी फेज के बाद जी नॉट आती है जैसा हमने पढ़ा था जी वन पहले फिर एस फिर जी टू फिर एम एम के बाद और एक बार प्रॉपरली लिखता हूं पहले जीवन फिर एस फिर जी टू फिर एम एम के बाद सेल डिवाइड होता है और दो सेल्स तैयार होते हैं जो दोनों सेल्स जाते हैं जीवन में और जीवन से वो डिसाइड करते हैं क्या उन्हें जी नॉट में जाना है या एस में जाना है लेकिन ये सही कंसेप्ट है ज्यादा रेफरेंस बुक के हिसाब से लेकिन यहां पर क्या पूछा है बेटा दिस प्रोसेस ऑकर्स एट द एंड ऑफ तो एट द एंड ऑफ जीवन डिसाइड नहीं होता जीवन के बीच में यह डिसाइड होता है क्या उसे जी नॉट में जाना है या एस में जाना है तो एट द एंड ऑफ के कारण एट द फेज यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा थोड़ा ट्रिकी है ठीक है देखते हैं फाइनल आंसर की में इसका क्या आंसर देते हैं लेकिन एट द एंड ऑफ पूछा है इसलिए हम एम फेज को टिक करेंगे यहाँ पर वैसे दोनों ऑप्शन थोड़े दौड़जी लगते हैं एम फेज और जीवन फेज तो ये क्वेश्चन थोड़ा मार्क करके रखना ठीक है ये एक ट्रिकी और थोड़ा सा स्लाइटली एम्बिगुस क्वेश्चन है लेकिन अभी के लिए हम इसका आंसर एम फेज सिलेक्ट करते हैं ठीक है बेटा अब विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनस ऑफ ग्लोब पूछा है बेटा ग्लोब अर्थ पे का तो कोई कोई स्टूडेंट्स ने इसे मिसलीड किया होगा और इंडिया अगर पूछते थे, थे तो वेस्टर्न घाट्स हिमालय लेकिन ग्लोब पूछा है तो ग्लोब मतलब एमेजन फॉरेस्ट हैज द हाइस्ट स्पेसिज डाइवर्सिटी आइडेंटिफाई देशिक अम्यूनो एसिड यह इजी है आंसर इज लाइसिन फिर ये मैच द कॉलम पिच्यूटरी ग्लान्ड आपको पता है डायबिटिस इंसिपिडस था ग्रेव डिस डिसीज और पैनक्रियाज डायबिटिस मलाइटस तो आंसर है ऑप्शन फोर ठीक है आंसर है ऑप्शन फोर हम आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा इन यूरोडेटा नोटोकॉड एक्सचेंज फ्रॉम हेड टू टेल ये गलत है इन मल्टीप्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली सही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन फाइलम कॉर्डेट्स इज डॉल्सन एंड हॉलो सही है और कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू टू थ्री सब फाइला हेमिकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा एंड सेफेलो कॉर्डेटा यह गलत है हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा में नहीं आता है बेटा तो इसमें दो ही स्टेटमेंट सही है बी और सी इसका आंसर है ऑप्शन वन सेकेंडरी मेटाबोलाइट साइज निकोटिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फॉर डेयर डिफेंस एक्शन ये है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में का हमने लिखा था कैफीन ताकि ग्रेजिंग एनिमल्स उनके पास ना आए इसलिए हर्बियोरस इसलिए प्लांट्स हर्ब्योरस से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को बचाने के लिए ये केमिकल्स तैयार करते हैं स्ट्रॉबेलाय और कॉन्स आर फाउंड इन इक्विसेटम प्लांट किंगडम का एक सिंपल क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर अलगी अल्गी मतलब अलगी या ब्लू ग्रीन अलगी ऐसा पूछना चाहते हैं एग्जामिनर तो लैमिनारिया सरकेसम ये नहीं हो सकता जेलीडियम ग्लैसेलारिया ये भी मल्टी सेलुलर है नहीं हो सकता एनाबेना हो सकता है लेकिन वॉलवॉक्स नहीं क्लोरेरा और स्पायरुलना दीज आर यूनिसेलुलर अलगी तो ऑप्शन वन थर्टी वन पर जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पुट इन टू अन एरोबिक्सल डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट क्लासिक क्वेश्चन है बेटा एनसीआर बेस्ड ठीक है आप देख सकते हो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के सीवेज ट्रीटमेंट वाले टॉपिक में इसका आंसर है एक्टिवेटेड स्लज यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने गड़बड़ की होंगी ठीक है जो शांत दिमाग से सॉल्व करता है वो ऐसे क्वेश्चन में आगे निकल जाता है बेटा ठीक है तो इसका आंसर है एक्टिवेटेड स्लज क्वेश्चन थर्टी बहुत सिंपल है एक के ऑप्शन पे एलिमिनेट हो जाता है वो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ब्यूटरिक एसिड ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन जो इम्यूनो सप्रेशन बोल बोलकर यूज करते हैं परप्यूलस ब्लड लोअरिंग एजेंट जो statins बनाता है हमने पढ़ा था एसपरस नाइगर नाम के फंगस से मिलता है साइट्रिक एसिड तो इसका आंसर है ऑप्शन थ्री बेटा ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके पेपर में ठीक है तो अब जो करेक्ट ऑप्शन है उससे इवेल्युएट करना मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूं यहां क्योंकि हर एक वर्जन अलग अलग वर्जन होते हैं नीट के पेपर के एज यू नो ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट यूरोड्स ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन पहले भी नीट में पूछ चुके हैं दे हैव फ्री आर एन ए विदाउट प्रोटीन कोट ठीक है थर्टी फोर मॉलिक्यूल का मैच द कॉलम है इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी मैलोनेट दैट इज ए का टू पजेज पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन दैट इज कोलेजिन तो बी का फोर सेल वॉल मटेरियल इन फंगट इज काइटिन सी थ्री और सेकेंडरी मेटाबोलाइट इट्स अ टॉक्सिन राइसिन डी का तो आंसर है ऑप्शन टू 35 फाइव सेल्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे है ऑफ एलिमेंट्री कैनल आर मॉडिफाइड कॉलुम नारेपिथेलियल सेल 36 प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ये भी अच्छा क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड बेटा यूरिन में पूछा है तो डायबिटीज मलाइटिस में यूरिन में सीवियर केसेस में कीटोन यूरिया हो सकता है और नॉर्मली ग्लूकोज भी एक्सटीट होता है तो ग्लूकोज यूरिया ग्लाइकोसूरिया नॉर्मल नॉर्मली मतलब डायबिटीज पेशेंट में ये देखने को मिलता है ज़्यादातर केस में प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इससे ऑप्शन फोर कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया ये भी डायरेसिस पर है प्रिवेंशन देखो जैसा मैं क्लास में कहता था हर लाइन अच्छे से पढ़ना होता है बहुत ही क्लासिक पेपर है ये ठीक है हर लाइन आपको अच्छे से पढ़ना होता है नीट के पेपर में क्योंकि कंटेंट एनसीआरटी बेसिटी ज्यादा रखते हैं लेकिन एकदम फ्रेमिंग बहुत ही परफेक्ट होता है पेपर का जैसा ये क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायोरिस तो रीअब्जॉर्बेशन ऑफ सोडियम और वाटर जितना ज्यादा रीअब्सॉर्ब होगा रिनर ट्यूबुल से अल्डोस्टेरॉन के वजह से ठीक है या ए के वजह से तो डायोरिस प्रिवेंट होगा अब कुछ बच्चों ने इसका सेकेंड आंसर किया होगा मोर वाटर रीअब्जॉर्ब ये सही है लेकिन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन नहीं ड्यू टू नॉर्मल सिक्रीशन होना चाहिए तो इसलिए ऑप्शन टू नहीं हम टिक कर सकते डिक्रीज इन सिक्रीशन तो नहीं है और वन और फोर तो नहीं है और इसका आंसर है रीऑब्जॉर्बन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रिनल ट्यूबुल्स ड्यू टू अल्डोस्टेरॉन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो यहाँ पर देखो बेटा ये करेक्ट नहीं है ऑप्शन फोर द फंक्शनल इंसुलिन में ए और बी चेन तो रहते हैं लेकिन दे आर नॉट लिंक बाय हाइड्रोजन बॉन्ड दे आर लिंक बाय सल्फर बॉन्ड्स ठीक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉर साइन इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ठीक है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन उनको उनका वातावरण में ज्यादा रिलीज नहीं होना चाहिए उसके लिए यह प्रोटोकॉल साइन किया गया था इन कैनेडा ठीक है ये है नेक्स्ट क्वेश्चन द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ये भी लाइन है एनसीआरटी का ओ आर आई साइड दट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन ये एकदम क्लासिक क्वेश्चन है ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को तो यह है फोटोरेस्पिरेशन पर निर्भर क्वेश्चन फोटो रेस्पिरेशन रूबिस्को जब ऑक्सीजनेस बोलकर काम करता है तो आर पी प्लस ऑक्सीजन गिवस पीजीए प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट जैसा हमने पढ़ा था क्लास में अब कुछ बच्चों ने गड़बड़ की होंगी बेटा इस पर आर यू बी पी फाइव कार्बन है पी जी ए थ्री कार्बन और फॉस्फोगलाइकोलेट टू कार्बन जब रूबिस को ऑक्सीजनेस बोलकर काम करता है तो एक पीजीए बनता है एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट अब हम ऑप्शन देख लेते हैं इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ फोर कार्बन कंपाउंड नहीं हो सकता टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड बने क्या नहीं तो यह भी नहीं हो सकता वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड बना हा तो ये हो सकता है और वन मॉलिक्यूल ऑफ सिक्स कार्बन कंपाउंड नहीं तो इसका आंसर है ऑप्शन थ्री दैट इज इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड और वन मॉलिक्यूल ऑफ टू कार्बन कंपाउंड लेकिन ऑप्शन ए की मैच होता है दैट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड मतलब क्या पूछा है एक आर यूबीपी एक ऑक्सीजन कितने पीजिए एक पीजिए और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट पीजीए कितने कार्बन कंपाउंड है थ्री कार्बन कंपाउंड है इसलिए इसका आंसर होता है ऑप्शन थ्री दैट इज वन मॉलिक्यूल ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड इसके साथ ऐसा भी लिख सकते थे प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ टू कार्बन कंपाउंड ऐसा नहीं लिखा इसलिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए और उन्होंने ऑप्शन टू को दैट इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड को टिक कर लिया तो वो गड़बड़ कर बैठे गलती कर बैठे तो ऐसे क्वेश्चंस को शांति से ठंडे दिमाग से सॉल्व करना चाहिए इसका आंसर है ऑप्शन थ्री द बॉडी ऑफ द वर्ल्ड इज फ्यूज फ्यूनिकल एक्ट हाइलम ये एक सिंपल क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एटी नाइन पेयर विदाइन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये सही है यही एकदम सिंपल क्वेश्चन है फोर्टी फोर पे जाते हैं हम फटाफट एनिमल किंगडम का मैच द कॉलम है ग्रीगैरियस का फोर एडल्ट विथ रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विथ बायोलैट सिमेट्री दैट इज सी का वन इकाइनोडा एस्टेरिया स्टार फिश में देखा जाता है बुक लंग्स इन स्कॉर्पियोन और बायोलूमिनेशन इन तीनो प्लाना तो इसका आंसर है ऑप्शन थ्री ठीक है बेट फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ होम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल दैट इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन तो ये जो एन सी आर टी में ग्राफ है ठीक है मैं इंस्ट्रोअ साइकिल के बारे में जहाँ डिस्क्राइब किया है वहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ज़्यादा ईस्ट्रोजन ज़्यादा एल एच ज़्यादा एफ एस एच होता है एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ ओम दैट इज ओ ओलेशन तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन हेल्प्स टू रिलीज ओ ओम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल ड्यूरिंग ओलेशन ठीक है बेट तो ये थे फोर्टी फाइव क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बैठे हैं ठीक है बेटा तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोटीन इन द एनिमल्स तो आंसर है कोलाजिन नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स दिज आर ट्रांसफर टू अज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव तो जो फीमेल में कंसेप्शन मतलब कंसीव कंसीव मतलब इम्प्लांटेशन मेनली इम्प्लान नहीं हो पाता ठीक है उनके लिए व्हाट इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी तो उसमें आएगा फेलोपियन ट्रांसफर एंड इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर ऑफ द एम्ब्रियो तो आंसर है ऑप्शन सेकंड ठीक है तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था क्वेश्चन 48 एट बीटी कॉटन वेराइटी डेट वॉज डेवलप बाई इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस ट्रजेंसिस इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस लाइक कॉटन बॉलवॉर्म कॉर्न बोरर एक्सेट्रा ठीक है तो आंसर ऑप्शन टू फोर्टी इन में से कौन सा गलत है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जीन आई दैट कंट्रोल्स ए बी ओ ब्लड ग्रुप तो अलील स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर ये सही है द जीन आई हैज थ्री अलील्स स्मॉल आई आई ए आई बी ये भी सही है अ पर्सन विल हैव ओनली टू ऑफ अलील्स ये ट्रिकी पॉइंट है एक पर्सन में सिर्फ दो ही हो सकते हैं क्योंकि वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म तो हमें एक अलील मिलता है फादर से एक मदर से तो दैट इज करेक्ट लेकिन पॉपुलेशन में तीनों अलिल पाए जाते हैं लेकिन एक पर्सन में सिर्फ दो ऑफ द थ्री अलिल्स क्वेश्चन ऑप्शन फोर आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टूगेदर जैसा हम कहते हैं को तो दे एक्सप्रेस द सेम टाइप ऑफ शुगर मतलब आई ए बनाता है ए एंटीजन और आई बी बी तो दे डोंट एक्सप्रेस द सेम टाइप ऑफ शुगर तो ऑप्शन फोर ये गलत है तो क्वेश्चन फोर्टी नाइन एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर क्वेश्चन फिफ्टी दर इज हाफ इंफेरियर इन प्लम ठीक है ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है आपने देखा रे फ्लोरेट्स पे भी इस नीट में सवाल आया था क्वेश्चन फिफ्टी वन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पेसिस डाइवर्सिटी इज अबाउट सेवन मिलियन ठीक है ये आपको याद रखना है क्वेश्चन फिफ्टी टू म्योटिक डिविजन ऑफ द सेकेंडरी ऊसाइट इज कंप्लीटेड तो कब होता है सेकेंडरी ओसाइट का म्योटिक डिवीजन कंप्लीट तो इट इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओम ठीक है जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन नॉट प्रायर टू ओलेशन तो ऑप्शन फर्स्ट एट द टाइम ऑफ फ्यूजन स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के जस्ट पहले या जस्ट एट द टाइम उस इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर सेकेंड म्योटिक डिवीजन या म्योटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट इज कंप्लीटेड टू फॉर्म ओव एंड द अदर पोलार बॉडी ठीक है ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री यहां पर बेटा एक कैची पॉइंट है यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गड़बड़ की होंगी नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन अगर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन पूछते थे तो आंसर होता था डीएनए हेलिकेज लेकिन यहां पूछा है बेटा ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन पूछे जाने के कारण याद रखना स्टूडेंट्स इसका आंसर है आर एन ए पॉलीमरेज एन सी आर टी की लाइन है ये ठीक है तो यहाँ पर बहुत बच्चों ने गड़बड़ की होंगी और लिखा होगा डी एन ए तो डी एन ए सही जवाब नहीं है सही जवाब है आर एन ए पॉलीमरेज ठीक है स्टूडेंट्स इसको स्पोर्टिंगली लेना है कुछ आपके क्वेश्चंस राइट आएंगे कभी रॉन्ग आ सकते हैं आपने अच्छा एफर्ट्स दिया है ठीक है आपको ये प्रोविजनल आंसर की है इसको देख कर आपको खुद को इवेलुएट करना है और जो हुआ आपने एक अच्छा एफर्ट बेस्ट एफर्ट सभी स्टूडेंट्स ने दिया है ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनोन जिसे हम पी क्यू कहते हैं इट फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी एस टू टू साइटोक्रोम बी सिक्स एफ तो यह एनसीआर टी बेस्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है थेरोटिकल फॉर्म में पूछा है ऑप्शन टू इज द राइट आंसर द एंजाइम हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्सिनोजन इन ट्रिप्सिन ये भी एक सिंपल सवाल है इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ठीक है आंसर है ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स बायोमोलिक्यूल बेस्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट में और पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं प्रोटीन में तो इसका आंसर है इंडुलिन एंड इंसुलिन इंदुलिन इट्स अ कार्बोहाइड्रेट एंड इंसुलिन इज अ प्रोटीन तो इनमें होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट इसे डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां पर थोड़ा सा एम्बिगिटी हो सकती है लेकिन हम प्रोविजनल आंसर की में मुझे ऐसा लगता है मैं पहले एक एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताता हूँ स्टेटमेंट फोर्थ से शुरू करता हूँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग सही है क्वेश्चन 57 का फोर्थ ऑप्शन सही है उन्होंने पूछा क्या है रॉन्ग कौन सा है तो क्वेश्चन 57 में ऑप्शन फोर सही है इसलिए वो रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है तो वो आंसर नहीं हो सकता ओके ऑप्शन थ्री देखते हैं दे कट द डीएनए स्ट्रैंड एट पैलिंड्रोमिक साइड अब एनसीआरटी लिखता है द कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट ठीक है ओके जैसा मैं एनसीआरटी को रेफर करके आपको बताता हूं एनसीआरटी के पेज नंबर 197 पर वैसा दिया है ठीक है दे कट द स्ट्रैंड, ओके दे कट द स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट मतलब पैलिंड्रोमिक साइट पर ही कट हैं लेकिन सेंटर में नहीं उसके जस्ट साइड में तो ये स्टेटमेंट भी सही है बेटा अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है लेकिन ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सही है ऑप्शन टू देखते इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस ये तो उसकी खासियत है ये भी सही है ऑप्शन वन स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंट यूजिंग डीएनए एन ये भी सही है लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन

शन एंजाइम लेकिन वो जोड़ता कौन है जैसा एनसीआर लिखता है ना क्या सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन तैयार होते हैं स्टिकी एंड तैयार होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से अगर क्वेश्चन ऐसा होता था क्या स्टिकी एंड तैयार होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वजह से तो आप कहते थे हाँ होते हैं यहां पर क्या लिखा है स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइन बाई यूजिंग डीएनए लैगेज तो डीएनए लैगेज का फंक्शन यहां लिखा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नहीं तो थोड़ा सा फ्रेमिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन मोर अप्रोप्रिएट इस स्टेटमेंट को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं कहेंगे क्योंकि स्टिकेंड्स कैन बी ज्वाइन बाय यूजिंग डीएनए एन एल ये बात हो रही है डीएनए एन की इसलिए हम इसे रॉन्ग कहेंगे फिर भी ये प्रोविजनल आंसर की है बेटा मैं और एक बार कह रहा हूँ ठीक है जैसे ऑफिशियल आंसर की आपकी पब्लिश होंगी उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं ठीक है थीके? एक आपको इवेल्युएट करने के लिए एक आइडिया देने के लिए आप एक्साइटेड रहते हो इसलिए हम ये आंसर की

क्वेश्चन सिक्सटी वन सिक्कल से लाने में ऑटोसोमर तो रेसिस होता है उन्होंने पूछा कौन सा करेक्ट है तो ये करेक्ट है और क्रोमोजोम नंबर भी दिया है इलेवन पर उसका जीन ठीक है तो डायरेक्टली हम करेक्ट आंसर पर ही पहुंच गए सिक्सटी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन तो नेटेलिटी मॉर्टेलिटी सेक्स रेशियो दिज आर द एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन बट स्पेसिज इंटरेक्शन इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन तो ऑप्शन वन से ये क्वेश्चन सिक्सटी थ्री एक सिंपल क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग लॉक फेज क्वेश्चन सिक्सटी फोर बीटी कॉटन बेसिलस थनोसिन डी एमाइने डिफिशंसी जीन थेरेपी आर एन ए इंटरफेरेंस सेलुलर डिफेंस और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डिटेक्शन ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन एंड वेरियस वायरल इन्फेक्शन तो आंसर है ऑप्शन टू ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं फटाफट फटा सिक्सटी फाइव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया क्रोमोजोमल थेरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन uh, दिया मॉर्गन ने सटन और बोवेरी ने दी थी क्रोमोजोमल थेरी ऑफ इनहेरिटेंस लेकिन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वॉज गिवन बाय मॉर्गन ठीक है ये क्लासिक क्वेश्चन है बेटा इसमें गड़बड़ कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स सिक्सिक्स पे जाते हैं इन द हेड ऑफ द काक्रोच इफ द हेड ऑफ द काकरोच इज रिमूव इट मे लीव फॉर फ्यू डेज बिकॉज होल्ड इट होल्ड अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ नर्वस सिस्टम वट एर इस वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी इसलिए वो फ्यू डेज तक जिंदा रह सकता है इवन इफ द हेड इज रिमूव क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी आगे बढ़ते हैं इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस बेस्पेयर्स इज पॉइंट थ्री फोर नाइनोमीटर मतलब थ्री पॉइंट फोर एंड स्ट्रॉन्ग मतलब इथ थ्री पॉइंट फोर इन टू टेन रेज माइनस टेन मीटर और कितने बेस पेयर्स दिए हैं टोटल नंबर ऑफ बेस्पेयर सिक्स सिक्स इंटू टेन रेस टू नाइन बेस्पेयर तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो so, लेंथ निकालने के लिए जैसा मैंने यहाँ लिखा है थ्री पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू माइनस टेन इंट सिक्स अप्रोक्सीमेट आ जाता है टू पॉइंट टू मीटर्स क्वेश्चन टू करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेजम्स विच एवाल ड्यू टू चेंजेस इन एनवॉयमेंट ब्रॉट अबाउट बाय मैन मेड एक्शन एंट्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन के एक्शन के वजह से तो स्विंचेस ऑफ गैलेपेगोज आइलैंड इट इज़ नॉट ड्यू टू मैन मेड यह गलत है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ब्रीड्स तैयार हो जाती है या ह्यूमन एक्शन से हो सकती है ये सही है ड्रग रेजिस्टेंट यू कैरियोर्ट्स ये भी ह्यूमन एक्शन से एंट्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्शन से हो सकता है सही है मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स ये भी सही है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सी डी क्वेश्चन सिक्सटी नाइन आइडेंटीफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैन ऑयल्स हार्ट बेटा हार्ट वुड इज डार्क इन कलर सही है हार्ट वुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट सही है सैप वुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर सही है सैप वुड इज द इनर मोस्ट ये गलत है इट इज आउटर पार्ट एंड इट इज लाइटर इन कलर ये सही है लेकिन इनर मोस्ट नहीं होता है तो ये ये सेंटेंस में का एक पार्ट गलत है इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाता है इनकरेक्ट ऑप्शन फोर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी द रूट्स डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर फाइब्रस रूट्स यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं दे आर फाइबरस रूट्स एडवेंटेशियस रूट्स फाइब्रस रूट्स द स्पेसिफिक पेरेंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकनाइज बाई इको आर वन इज ऑप्शन टू सेवेंटी टू नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच ऑन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम इंक्रीजिंग द ईल्ड ऑफ शुगर केन क्रॉप तो इसका आंसर है जिबल देरीन एनसीआरटी बेस्ड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से यह सवाल है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बायोटेक प्रिंसिपल्स वाला सवाल सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज विद हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड इन यू वी रेडिएशन जमेंट्स दिखते हैं ठीक है ऑप्शन थ्री सिलेक्ट ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज गोनोरिया बैक्टेरियल डिसीज सेक्शुअली ट्रांसमिटेडो बैक्टीरियल एंड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड और जेनाइटल हर्पिस वायरल एंड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड ठीक है यहां पर कैंसर इज नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड मलेरिया इज नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इसलिए आंसर हो फिलेरिया इज नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इसलिए आंसर हो जाता है ऑप्शन टू गोनोरिया सिफिलिस जेनाटल हर्पिस फ्लोरिदिन स्टार्च रेड एल्गी बेटा फ्लोरिदिन स्टार्च कौन से एल्गी में होता है रेड एल्गी प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है स्ट्रक्चर सिमिलर टू एंड ग्लाइकोजन तो यहां जैसा हम क्लास में कहते थे यहां पर प्लांट किंगडम और बायोमोलिक्यूल्स जुड़ गए फ्लोरिदिन स्टार्च रेड एल्गी ठीक है सिमिलर टू अमाइलोपेक्टीन एंड ग्लाइकोजन द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज बाय नाइट्रोजन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिन प्लांट इज आर अमोनिया एंड हाइड्रोजन तो ये आपको अच्छे से याद रखना है इट इज़ फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन आगे बढ़ते हैं बेटा 77 सिंपल है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का क्वेश्चन है टाइफॉयड सालमोनेला से होता है ए का थ्री यहाँ पर ये सॉल्व हो जाता है फिर भी मैं सब बता देता हूँ न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुन्जी से फिलेरियासिस एरिया से और मलेरिया प्लाज्मोडियम से तो ये आंसर है इसका ऑप्शन थ्री द नंबर ऑफ सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये हमने क्लास में भी ऐसे न्यूमरिकल्स किए थे इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज वन ठीक है सिर्फ एक ही एस होता है सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब एस एक पी साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब साइकिल तो एक ग्लूकोज के लिए सिट्रिक एसिड साइकिल घूमती है दो बार लेकिन एक सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने एस होते हैं एक ठीक है तो ये हमने क्लास में भी ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे 79 नाइन द प्लान पार्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विध इन द अदर ये एकदम क्लासिक है बेटा वन विद इन द अदर जैसे अपने नोट्स में भी हमने दिया था आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मतलब पॉइंट्स ठीक है जैसा एंथर हमने आपको सिखाया था एंथर इज टू एन पोल ग्रेनस एन तो ये होगी दो जनरेशन जर्मिनेटर पोलन ग्रेन विद टू मेल गैमेट्स नहीं क्योंकि जर्मिनेटर पोलन ग्रेन इज एन मेल गैमेट्स भी एन तो ये नहीं बन सकता सीड इनसाइड फ्रूट अब कुछ स्टूडेंट्स को यह लग सकता है लेकिन बेटा सीड फ्रूट यह प्रॉपरली सीड का कुछ पार्ट हो सकता है फर्स्ट जनरेशन मतलब गैमेटोफाइटिक जनरेशन का कुछ स्पोरोफाइट फ्रूट का फ्रूट इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक तो ये नहीं बनता है ये ऑप्शन सैक एन और ओयल मेनली ओयल का जो आउटर मेनली बल्क ऑफ द ऑयल इज स्पोरोफाइटिक उसका अंदर का पार्ट अप्लॉयड फेज़ हो सकता है लेकिन मेन उसका पूरा ओयल ऐसा सिर्फ पूछा एंथर और ओय ऐसा पूछा तो हम डिप्लॉयडी लिखते हैं तो बेटा जैसा मैंने प्लॉयडी लिख कर ही आपको बता दिया इसका आंसर है ए और डी कुछ स्टूडेंट्स इसमें आर्ग्यू करेंगे वो कह कह सकते हैं मुझे क्या सर ऐसा कैसा सीड इन साइड फ्रूट भी टू जनरेशन तो बेटा वो नहीं बैठता है ऑप्शन सब ऑप्शन देख कर भी आपको ऐसे क्वेश्चन को समय लेकर सॉल्व करना है करना था इसका आंसर होता है ऑप्शन फर्स्ट ए एंड डी टू जनरेशन गैमेटोफैटिक एंड स्पोरो क्वेश्चन एटी विच ऑफ द फॉलो इज नॉट एन इनहिबिटरी सबस्टेंस गवर्निंग सी डॉमेंसी तो पैरा स्कॉरबिक एसिड डॉरमसी करवाता है एपसिस एसिड भी करवाता है फिनोलिक एसिड भी करवाता है जिबलिक एसिड तो डॉर्मनसी को ब्रेक करता है तो आंसर है जिबलिक एसिड एटी वन क्यूबोडर एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोवेरा इज फाउंड इन पी सी टी ऑफ नेफ्रॉन फॉर एब्जॉप्शन सिलेक्ट रि एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट स्लाइड फ्रॉम

ठीक है तो थोड़ा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इन्होंने अच्छा सवाल फ्रेम किया है बेटा यहाँ एटी पर जाते हैं सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ये भी एकदम क्लासिक सवाल है इंसुलिन इज असोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसेमिया नहीं इंसुलिन तो हाइपोग्लाइसेमिया करता है ग्लूकोकोटिकॉइडस ग्लूकोनियोजेनेसिस व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू सब्स्ट्रेट करता है क्या हाँ करता है तो ये सही है फिर भी हम थ्री और फोर ऑप्शन देख लेते ग्लूकोन इज एसोसिएटेड विथ हाइपोग्लाइसेमिया नहीं ग्लूकाकोन हाइपरग्लासेमिया करता है तो ये गलत है इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाटिक सेल इंसुलिन पैनक्रेटिक सेल से तैयार होता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगर एंड तो ये भी गलत है वो एक्ट नहीं करता है पैनक्रियाटिक सेल से वो तैयार होता है पेनक्रियाटिक सेल पर एक्ट नहीं करता है तो इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट कलेक्ट करेक्टे ग्लूकोकॉर्टिकॉय स्टिमुलेट ग्लूकोनिओजेनेसिस ग्लूकोकॉर्टिकॉय्स आपको जैसा याद आ रहा होगा कॉर्टिसोल इसलिए वो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है बाय

तो सेवन कैरेक्टर्स के लिए सेवन इंटू टू दैट इज फोर्टीन ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस पी प्लांट वेयर सिलेक्टेड क्लासिक क्वेश्चन बिट एटी फाइव इन वाटर हाईसिंट एंड वाटर लिली पॉलीनेशन टेक प्लेस बाय इंसेक्ट और विंट तो यहाँ बच्चों ने गड़बड़ किया होगा ये वाटर हाईसिंट और वाटर लिली जैसा एन में लिखा है ये वाटर में रहते हैं एक्वेटिक प्लांट्स है लेकिन इनको वाटर पॉलीनेट नहीं करता इनको पॉलीनेट करता है इंसेक्ट और विंड एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वॉज डिसूव बाय वन बेयर ठीक है तो ये एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वॉन बेयर के बारे में पूछा एटी सेवन न्यूरल का क्वेश्चन है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाए कॉकलिया ऑर्गन ऑफ कॉर्टाए लोकेटेड एट बेसिलर मेमरे इन कॉकलिया कॉइल्ड पार्ट ऑफ लैबरिंथ जैसा हम कहते थे चकली जैसा होता है ठीक है विच हेल्प्स इन हेयरिंग यूजेशन ट्यूब कनेक्ट्स मिडल ईयर एंड फेरिंग्स और स्टेपस स्मॉलेस्ट बोन अटैच टू ओल विंडो ठीक है तो ये ऑप्शन हम ढूंढते हैं अभी एटी सेवन का ऑप्शन फोर ठीक है बट एटी एट वी मैच द कॉलम फ्लोटिंग रिब्स डो नॉट कनेक्ट विथ सर्नम पेयर इलेवन एंड ट्वेल्व एक्रोमियन जॉइंट्स विद क्लेविकल, एक्रोमियन पार्ट है स्कैपुला का व जॉइंट्स विथ क्लेविकल टू फॉर्म एक्रोमियो जॉइंट, स्कैपुला लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथली ग्लिन कैविटी पे फिट होता है हेड ऑफ यूमरस टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। आगे बढ़ते हैं बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट प्लेयर बायोमोलिक्यूल का है यह भी एक्जोन्यूक्लियस मेक्स कट्स एट स्पेसिफिक साइट या स्पेसिफिक यहां पर ऐसा होना चाहिए स्पेसिफिक लोकेशन या पोजिशन विद इन डी एन ए ठीक है थोड़ा मेरे डी टी पी ऑपरेटर ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया इधर इस क्वेश्चन के इसमें स्पेसिफिक लोकेशन और पोजिशन विद इन डी एन ए लाइगेज जॉइंट द टू डी एन ए मॉलिक्यूल्स ये सही है तो एक्जोन्यूक्लियस विद इन डी एन ए नहीं कट करता है साइड में कट करता है इसलिए ये गलत है ऑप्शन वन लाइगेज जॉइन द टू डी एन ए मॉलिक्यूल्स ये सही है पॉलीमरेज ब्रेक द डी एन ए इन टू नहीं न्यूक्लियस सेपरेट टू स्ट्रैंड्स ऑफ डी एन नहीं तो ऑप्शन टू ये सही है करेक्ट पेयर पूछा है ना बेटा तो ऑप्शन टू ही करेक्ट है बाकी सब फंक्शन रॉन्गली मैच है लास्ट क्वेश्चन ट्रांसलेशन पर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज अमाइनो आइसिलेशन ऑफ टीआरएनए जिसे हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए सो दिस वॉज अबाउट अ पेपर एनालिसिस ऑफ बायोलॉजी पेपर ऑफ नीट 2020 ट्वेंटी ठीक है कुछ आंसर्स ये प्रोविजनल एनालिसिस है प्रोविजनल आंसर की है कुछ आंसर्स वेरी हो सकते हैं ठीक है थीके? हमने पूरा कोशिश किया है फिर भी आपको एक एक्यूरेट और एक प्रॉपर आंसर की और पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करने की ठीक है बेटा कुछ भी आपको इससे डाउट आता है तो प्लीज़ कॉल करके पूछो ठीक है आपने सबने अच्छा एफर्ट्स दिया है यू हैव वर्क वेरी हार्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और एज अ डॉक्टर एज अ बायोलॉजी टीचर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल द स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट थैंक यू